स्टार्ट करते हैं हम लोग। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये पूरी लाइफ टाइम अब आपके साथ रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। हम लोगों ने आज तक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे हैं बेसिकली वो नॉन कॉरपोरेट सेक्टर का देखा है। नॉन कॉरपोरेट सेक्टर में बहुत ही इजी होता है, ट्रेडिंग एंड पीएल बनता है टी शेप में, सॉरी बैलेंस शीट बनता है टी शेप में नॉर्मली, एंड इट इज वेरी इजी टू प्रिपेयर सच टाइप ऑफ अ बैलेंस शीट। बट इफ वी जस्ट टॉक अबाउट द बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कंपनीज, वी हैव टू फॉलो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोविजंस विच आर गिवन अंडर द कंपनीज एक्ट। हमें कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ता है। उन प्रोविजंस पर जाएं उसके पहले हम चाहते हैं कि उन प्रोविजंस पर जाने से पहले एक बार हमारा उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चेहरा देख लें जो हमको अब आगे प्रिपेयर करने हैं। क्यों? हम थ्योरी पढ़ाएंगे, हम थ्योरी बताएंगे। सर कौन कौन सी थ्योरी? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है डिविडेंड की, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है टैक्स प्रोविजंस की। और जब हम टैक्स प्रोविजन पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको एक रेफरेंस देंगे AS 22 का, तो आपको AS 22 को भी साथ साथ करना है। फिलहाल इस चैप्टर में नहीं, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर व्हेन यू इट वाज मींस विल गेट द स्पेयर टाइम विल स्टार्ट आवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, ताकि आपको इसमें दिक्कत ना आने पाए। अच्छा, थर्ड हम लोग बात करेंगे मैनेजरियल रिमुनरेशन की। अच्छा, टैक्स प्रोविजन के साथ साथ हम लोग एक और बात करेंगे, दैट इज योर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की, और मैं उसके बाद बात करेंगे हम लोग मैनेजरियल रिमुनरेशन की। इतनी चीजों के बारे में डिस्कशन करना है, क्लियर? कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है एसेट को ट्रांसफर करने पर, कैपिटल प्रॉफिट कब नहीं माना जाता है एसेट को ट्रांसफर करने पर, वो भी डिस्कशन करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन फिलहाल इन थ्योरीज पर या इन कॉन्सेप्ट्स पर जाने के पहले हम उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चेहरा देखना चाहते हैं जो हमें पूरे अब समय पर बनाना ही बनाना है, प्रिपेयर करना ही करना है। शेड्यूल 3 है और ये दो पार्ट में है, पार्ट वन एंड पार्ट टू, जो हमें बताता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट और जो हमें बताता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का फॉर्मेट। तो अब तक आपके दिमाग में रहता था पीएल अकाउंट, तो अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलो। और दूसरा बनेगा आपका बैलेंस शीट। लेकिन अगर मैं बात करूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवर हेयर, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब कंपनी के रेफरेंस में ये चीजें होती हैं। पहला स्टेटमेंट ऑफ पीएल, दूसरा बैलेंस शीट, थर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट, फोर्थ चेंजेस इन इक्विटी, एंड द लास्ट वन नोट्स टू अकाउंट्स। ये हमारे माने जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिस्से, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट ये तीन होते हैं जो तुम लोग को अपनी स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने हैं। नोट्स टू अकाउंट्स में क्या क्या आते हैं वो भी देखा जाएगा। फिलहाल चलें, जबकि नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर वालों को चेंजेस इन इक्विटी से मतलब नहीं होता, नोट्स टू अकाउंट से मतलब उतना नहीं होता, और ना ही कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंडेटरी होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंडेटरी नहीं होता। लेकिन कंपनी के केस में कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंडेटरी रिक्वायर्ड है, आपको बनाना ही बनाना है, उसके अलावा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अधूरा माना जाएगा। इज इट क्लियर? हटा सकते हैं
यहां लिखेंगे नोट नंबर, या इसको हम शेड्यूल नंबर भी बोल सकते हैं. दिस इज नॉट दोस नोट्स विच आई हैव रेफर्ड राइट नाउ. अभी हमने थोड़ी देर पहले नोट्स टू अकाउंट्स बोला था ना, इट डजंट मीन एट ऑल ये नोट, ये तो नोट नंबर दूसरा है, वो नोट है, ये शेड्यूल नंबर है, ये अनेक्सर नंबर है. जैसे हमने लिखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्या लिखा? अगर मैंने लिखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो अब जितनी भी ऑपरेशन से रिलेटेड रेवेन्यूज होती हैं वो एक नोट्स में आएंगी. नीचे उसके लिए अलग एक नोट नंबर बनेगा. क्या क्या चीजें आती हैं? यहां तो मैंने एक लाइन में लिख दिया रुपीज में टोटल 10 लाख. अब वो 10 लाख कहां से आया? वो सेल प्रोसीड से आया, या सर्विसेज को देने से आया, या कोई ट्रेडिंग कमीशन या एक्सेट्रा जो हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड, जो हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड चीजें होती हैं, उनसे पैसे जहां जहां से आए वो सब मैंने एक जगह नोट कर दिया. बोलो. और उसके बाद इसका लमसम यहां पर अमाउंट लिख दिया. इज इट क्लियर? चलो, ये नोट नंबर कुछ ऐसा है. और ये नोट नंबर जरूरी नहीं आप 1 दें तो 1 ही रखें, आप कुछ भी रख सकते हैं. यहां पर शेड्यूल नंबर वो मैंडेटरी नहीं है कि 1 के साथ 1 ही रहेगा, 2 के साथ 2 रहेगा, नीचे ऊपर हो सकते हैं. लेकिन हम 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट करते हैं, जहां जो जरूरत पड़ेगी नंबर वहां पुट कर देंगे. चलो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर रेवेन्यू. अरे बिजनेस में और भी तो पैसे आ सकते हैं. इंटरेस्ट आ सकता है, रेंट आ सकता है जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, डिविडेंड आ सकता है, कमीशन भी आ सकता है, नॉन ट्रेडिंग कमीशन कुछ भी हो सकता है. उनको हम यहां लिखते हैं. ये हो जाता है हमारा ए. अब आते हैं, चलें कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, चेंजेस इन इन्वेंटरी, परचेज ऑफ इन्वेंटरी, सर समझ में नहीं आई बात. एक तरफ आप लिख रहे हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, फिर उसके नीचे आप लिख रहे हैं चेंजेस इन इन्वेंटरी, फिर उसके नीचे लिख रहे हैं परचेज ऑफ इन्वेंटरी. हमें समझ में आई बात नहीं. आते हैं, एम्प्लॉइज बेनिफिट कॉस्ट. फाइनेंस कॉस्ट, depreciation and amortization expenses, other expenses. ये कहलाता है मेरा बी. profit before tax, इसमें हम लोगों ने अभी थोड़ा कम किया है. एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को हमने अभी छोड़ दिया है, ठीक है ना? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से रिलेटेड एडजस्टमेंट इसी के पहले होते हैं और इसके बाद होते हैं, हमने उसको छोड़ दिया. प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो बचा उसमें से टैक्स एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे. और जब हम टैक्स एक्सपेंस लिखते हैं ना, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 को फॉलो करते हुए हम लोग यहां पर काम करते हैं, जिसमें डेफर्ड टैक्स एसेट्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, ये सब चीजें सीखनी है. तो फिलहाल हम इतना लिख देते हैं. ये क्या आया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. इतना आप लोग नोट कर ले मोटा मोटी, तो फिर हम आगे बढ़ें.
हटा दें। थोड़ी स्पीड ले आओ, थोड़ी स्पीड ले आओ। हटा दें, अब तो हटा सकते हैं। yes. इसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद फिर बात करेंगे हम लोग, छोटे छोटे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे होता है। लेकिन एक बार बैलेंस शीट का भी चेहरा दिखा दीजिए। yes. इसका चेहरा तो दिख गया और बहुत कम आइटम है सर जी, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, अदर रेवेन्यू होता है, टोटल रेवेन्यू सब जोड़ने के बाद आ जाता है, इसमें से माइनस कर देते हैं। माइनस में होगा आपका सबसे पहले परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ना कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, चेंजेस इन इन्वेंट्री एंड परचेज ऑफ इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल का मैंने यूज नहीं किया, रॉ मटेरियल का यूज देखो ना यहाँ हुआ, मटेरियल यूज्ड, ठीक है। पहला किया कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, चेंजेस इन इन्वेंट्री, परचेज ऑफ इन्वेंट्री या परचेज ऑफ मटेरियल, मटेरियल रॉ मटेरियल नहीं, परचेज ऑफ इन्वेंट्री। उसके बाद हमने कहा एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉइज के बाद फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस। इज इट क्लियर? हटा दें। अब हम बात करेंगे बैलेंस शीट की, एक बार उसका भी चेहरा देख लें। ये भी आपकी वर्टिकल फॉर्म में ही बनेगी, शेड्यूल थ्री ने केवल वर्टिकल फॉर्म को सजेस्ट किया है। सबसे पहला आएगा शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में आप शेयर कैपिटल लिखेंगे और रिजर्व एंड सरप्लस लिखेंगे। मनी रिसीव्ड छोड़ दें इसको, थर्ड पॉइंट को छोड़ देते हैं, अभी ज्यादा टफ लेकर नहीं चलेंगे, हल्के हल्के पॉइंट लेकर के चलते हैं, चेहरा देखना है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म्स लोन्स, प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर शॉर्ट टर्म्स लोन्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ये आता है आपका बैलेंस शीट की लायबिलिटी का हिस्सा, नोट करना है। अभी एसेट बची हुई है,
हटा रहे हैं, एसेट्स में आए, एसेट्स की अगर हम बात करें तो नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स साथ साथ मत लिखना, दो ही पार्ट में बांटे गए हैं। नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट आएगा और उसमें भी पहला होगा टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, दूसरा होगा इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, तीसरा होगा टेंजिबल WIP, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जानते हो ना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और इनटेंजिबल WIP मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, अदरवाइज इनटेंजिबल इन डेवलपमेंट लिखा जाता है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं इनटेंजिबल WIP जिस पर अभी काम चल रहा है, ठीक है ना, डेवलपमेंट फेज में। टेंजिबल फिक्स एसेट में, नॉन करेंट एसेट में पहला फिक्स एसेट, दूसरा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट होते हैं ना वो हम लोग यहां लिखेंगे। डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लास्ट में देखो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी लिखा था ना लॉन्ग टर्म में, उसी तरह डेफर्ड टैक्स एसेट्स। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, हमने अगर किसी को लोन दिया है लॉन्ग टर्म का या एडवांसेस दिए हैं वो लिखेंगे। अदर नॉन करेंट एसेट्स, जैसे तुम लोग का कोई अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस बचा रह गया है अमोर्टाइज होने से, कई सालों में वो अमोर्टाइज होगा, तो अनअमोर्टाइज्ड पोर्शन यहां पर लिखेंगे। चलिए, फिलहाल समझ में आई बात, कम जगह में मैंने पूरी चीज आने की कोशिश की। चलो करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में पहला आ जाएगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्री, डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एंड अदर्स। इसको काट देना लिख करके, लिख करके या तो अभी मत काटना, अभी अदर्स लिख करके छोड़ दो, क्योंकि प्रीपेड वगैरह इसमें आ जाएंगे हम लोग के, जो नहीं आएंगे मैं अलग से करवा दूंगा उसको, थोड़ा जल्दी करना। हटा दें, हटा रहे। देखो ना, बहुत ही इजी है हमारी बैलेंस शीट। इधर देखो, बैलेंस शीट बहुत इजी है प्रिपेयर करना। सबसे पहले हम लोग कैपिटल एंड लायबिलिटीज की ओर बात करते हैं। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड में पहला आ जाएगा शेयर कैपिटल, दूसरा आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा मैंने अभी शेयर वारंट का हिस्सा छोड़ रखा है, नहीं बता रहे। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट सेकंड बताया, नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज में सबसे पहला आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज,
अदर लॉन्ग टर्म लोन्स जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अलावा हो कौन कौन से आएंगे वो भी हम बता देंगे इनके अंदर का हिस्सा। अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर प्रोविजंस, ये आ जाएंगे आपके। इसके बाद मैंने बताया करेंट लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटी में क्या क्या बताया? सबसे पहला शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स यानी क्रेडिटर्स। दूसरा बताया अदर करेंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। बात खत्म, क्लियर। अब मैंने बताया एसेट साइड। एसेट साइड में सबसे पहले मैंने बताया नॉन करेंट एसेट्स, दूसरा बताया करेंट एसेट्स। का नॉन करेंट एसेट्स में दो पार्ट में बांटा, सबसे पहला फिक्स एसेट, दूसरा इन्वेस्टमेंट। बाकी छोड़ देते हैं फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट। फिक्स एसेट की अगर हम बात करें तो टेंजिबल फिक्स एसेट, इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स, टेंजिबल WIP, इनटेंजिबल WIP। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा भी कुछ चीजें थी जी, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर्स यानी प्रोविजंस, ये आ जाएगा अदर। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सबसे पहला, दूसरा आएगा डेटर्स, स्टॉक, कैश, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश लाइन से। इसके बाद जो बचेगा वो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर्स में आ जाएगा। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत है? हटा दें, वापस आते हैं। ये तैयार रहेगा तुम लोग को? अब इसमें तो हमें नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। कहा गया कि सुनना ढंग से, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। इफ any income or expenses having value in excess of rupees 1 lakh or 1% of revenue from operation, याद आया हम पीएल की बात कर रहे हैं, देन सच आइटम मस्ट बी शोन सेपरेटली। यानी अगर कोई आइटम ऐसा है इनकम या एक्सपेंडिचर का जिसकी वैल्यू 1 लाख या उससे अधिक है, और या तो फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की टोटल वैल्यू का 1% या उससे अधिक है, तो हमको इसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग से शो करना पड़ेगा। कंबाइंड नहीं करना है किसी के साथ, सेपरेटली शो करना है। पहली चीज क्लियर हो गई, अब इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा कि हमने इनको मैटेरियल आइटम मान लिया है, और मैटेरियल आइटम मस्ट बी शोन सेपरेटली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि लोग डिसीजन ले सके। नोट करना है तो करो, नहीं तो मैं हटाने जा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो और पॉइंट जोड़ ही लेते हैं इसमें। इंपोर्ट्स मस्ट बी शोन at CIF, exports must be shown at FOB. CIF का मतलब होता है, कोई बताएगा हमको CIF मतलब क्या? वारे वाह, cost प्लस इंश्योरेंस फ्री ऑन बोर्ड। अब याद रहेगा, आएंगे सब पर धीरे धीरे बात करेंगे हम लोग। हटा रहा हूं,
ये वो पॉइंट थे जिनको अब आपको हमेशा गांठ बांध कर रख लेना है, जिनके लिए कोई लापरवाही नहीं चलेगी। एग्जाम में अगर आपके कोई क्वेश्चन आता है और आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट ही ढंग से बना लिया, 16 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स तो आपने बैठे बैठे केवल फॉर्मेट से कमा लिए। कितने? केवल आप अपने प्रेजेंटेशन से 4 मार्क्स ले सकते हैं, भले ही आंसर सही हो या वो एक्स्ट्रा है, यानी 16 में से ही 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। आपने पूरा आंसर सही कर दिया, फॉर्मेट ढंग से नहीं बनाया, तो आपको आधे से ज्यादा नंबर मिलने वाला है नहीं। अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये चीज याद रखेंगे। हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रिपेयर पीएल स्टेटमेंट। तुम लोग खुद प्रिपेयर करोगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, चेंजेस इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, टैक्स रेट, बस तुम लोग हमें सॉल्यूशन करके दोगे। जो फॉर्मेट अभी प्रिपेयर करवाया उसी फॉर्मेट के बेस पर ये 2 मिनट लगेगा, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं लगने वाला। देखो इधर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऊपर लिखोगे, फॉर द ईयर एंडेड, कंपनी का नाम सब लिखोगे ना, प्लस करोगे अदर इनकम, अच्छा। अभी मैंने कुछ भी थ्योरी तुम लोग को नहीं बताई है, मैं फिर बोल रहा हूं, आज हम लोग केवल इसका फेस देख रहे हैं, केवल एक चेहरा देखने की कोशिश कर रहे हैं, हमको आगे पढ़ना क्या क्या है और कैसे करना है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, चेंजेस इन इन्वेंटरी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट मींस इंटरेस्ट एंड अदर 20, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइज एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, ये आ जाएगा बी। कितना आया बी? 1845।
तो 800 बचा शायद प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स एक्सपेंसेस, 800 का 30% 240, ये आ जाएगा 560 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बस फिलहाल हमने यहीं तक बताया भी था और ये क्वेश्चन भी वहीं तक लिमिटेड है। तुम लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा जो मैंने अभी तक बताया नहीं, पता नहीं आ भी रहा है कि नहीं भगवान जाने, लेकिन आना चाहिए था क्वेश्चन ये। हाँ बिल्कुल सही है इन्वेंट्री सर, आपने ना ये तो बताया ही नहीं कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, हम लोग को तो एक चीज मालूम है, तुम लोग को क्या मालूम है वो ये कि ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, मैं लिख सकता हूं मैंने रॉ अपने मन से जोड़ा है, मैंने रॉ अपने मन से जोड़ा है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिख सकते हैं ना, दैट इज द वे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। लेकिन ये आपने चेंजेस इन इन्वेंट्री बताया, ये बात कहीं से हजम नहीं हुई। अरे रॉ मटेरियल तो उस समय जरूरत पड़ती है ना जब कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, अगर कंसर्न मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो वो ट्रेडिंग का काम कर रही होगी, सामान को खरीदना और सामान को बेचना, तो उसमें मटेरियल का क्या काम। अच्छा सर अगर वो सामान खरीदेगी तो वहां पर तो सीधे सीधे परचेज ऑफ इन्वेंट्री, इधर ढंग से सुनना, इसको लिखना चाहिए था कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यूज्ड, इंस्टेड ऑफ सीइंग टू डिफरेंट लाइंस चेंजेस इन इन्वेंट्री और उसके नीचे परचेज ऑफ इन्वेंट्री, हम दोनों को एक कर देते तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज की जगह चेंजेस, अरे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यूज्ड, ऐसे भी तो लिख सकते थे। जरूरी नहीं रॉ मटेरियल ही हो, हम फिनिश्ड गुड्स भी तो मार्केट से खरीद सकते हैं ना, नहीं तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री नहीं लिख सकते, हम क्लोजिंग स्टॉक भी लिख रहे हैं इन्वेंट्री भी लिख रहे हैं, थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन ठीक है समझ लो, ठीक इन्वेंट्री का ओपनिंग स्टॉक और इन्वेंट्री का क्लोजिंग स्टॉक, इनका चेंजेस ले लो। सर परचेज छोड़ दिया आपने बीच में, वो यहां लिख दो, कोई दिक्कत है क्या, बात तो वही पड़ी, बात तो ये पड़ी, अंतर ये है ये रॉ मटेरियल से रिलेटेड है और ये अदर देन रॉ मटेरियल से रिलेटेड है। तो इसीलिए हमारे सामने ये तीन लाइनें आई, बीच वाली लाइनें गायब है, फिलहाल इस क्वेश्चन में उसकी लोड नहीं थी, दिया ही नहीं था इंफॉर्मेशन। पहला मैंने बताया कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज, इट मींस वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द रॉ मटेरियल, चेंजेस इन इन्वेंट्री, इफ देयर इज अ चेंज इन इन्वेंट्री देयर मस्ट बी अ परचेज ऑफ द गुड्स, अदरवाइज द इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन टू अस हियर इन दिस क्वेश्चन, दैट्स व्हाई वी स्किप्ड दैट लाइन। अदरवाइज चेंजेस इन इन्वेंट्री, उसके नीचे आना चाहिए था परचेज ऑफ इन्वेंट्री, बोलो एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस, नोट डाउन करें, हो गया। चलो हटा दें इसको, क्वेश्चन नंबर टू देखा जाए, ये कंफ्यूजन अब दूर हुआ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये कंफ्यूजन दूर हुआ, अरे बिल्कुल नोट करो, क्यों नहीं नोट करोगे, हटा रहे हैं, अब हटाने दो, अब हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे टू और धीरे धीरे डिटेल में डिस्कस करेंगे, अपने आप समझ में आएंगी वो बातें जो हमें करनी थी, अब इनको तोड़ने का काम करेंगे, ठीक है ना, नोट हो गया ना। बिल्कुल टेंशन ना लेना, बिल्कुल मैंने थ्योरी कुछ नहीं बताया, बिल्कुल कहानी की तरह बताना है तो पहले वो चीज समझ में आनी चाहिए कि हमको इस चैप्टर में करना क्या है और कितना टफ है, तो जो छोटी मोटी बातें उनको ऐसे ही उड़ा देते हैं हंसी मजाक में, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो आएंगे एक एक करके। क्वेश्चन नंबर टू को देखें, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, कहता है सेल ऑफ प्रोडक्ट्स 2700, सेल ऑफ सर्विसेज, और ये प्रोडक्ट के बाद सर्विसेज कितनी 30, ट्रेडिंग कमीशन
60. एक्साइज ड्यूटी फिलहाल अभी तो हम लिख दे रहे हैं, पुराना क्वेश्चन है, 185. इंटरेस्ट इनकम 20. डिविडेंड फ्रॉम कंपनीज, डिविडेंड रिसीट हम लिख दे रहे हैं सीधे सीधे. लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और रेंटल इनकम, रेंटल कलेक्शन एक्सपेंसेस. अब इससे तुम लोग को समझ में आएगा, प्रिपेयर करना है हार्डली 2 मिनट लगना चाहिए, ज्यादा नहीं. अच्छा देखो ना एक चीज, अच्छा चलो पहले कर लेते हैं फिर देखते हैं. चलें, क्या बनाना चाहते हो पहले? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको लिख देना नोट नंबर 1. नोट 1 सुनो, और इसको लिख देना इधर नोट नंबर 2. अदर इनकम है ना, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुम लोग को समझनी है, और कई चीजें क्लियर भी होंगी. देखो इधर देख लो, सेल ऑफ प्रोडक्ट. मैंने कहा जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड रेवेन्यू है सब एक जगह रखो. सेल ऑफ सर्विसेज, वो भी तो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है. ट्रेडिंग कमीशन, ओ कमीशन, वो भी ट्रेडिंग, तो मेरे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. अगर केवल कमीशन लिखा रहता तो हम कहां ले जाते अदर इनकम में? एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, हमारा टैक्स है, लेस कर दो. कितना जो हमने टैक्स दिया है वो हटा दो, हमें सीधे सीधे पता चल जाएगा एग्जैक्ट हमारा बिजनेस को ऑपरेट करने से कितना मिला, क्योंकि ये तो हमारा रिफंड हो जाता है ना. इंटरेस्ट इनकम इधर जाएगा कितना, डिविडेंड रिसीव्ड, ये इधर जाएगा क्या? हाँ पूछो. नहीं नहीं, इसमें क्यों जाएगा सर, हम लोग ना जो अदर एक्सपेंसेस है ना नीचे वाले उसमें ले जाएंगे. अरे नहीं, दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, ये हमारा एक्सपेंसेस. एसेट को सेल करने पर प्रॉफिट या लॉस कुछ भी होगा वो इसी अदर इनकम में पॉजिटिव और नेगेटिव फिगर में दिखाई देगा. इज इट क्लियर? तो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा यही दिखेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये याद रख लेना. रेंटल इनकम यही आना है. अरे 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 नहीं सर, रेंटल इनकम 15 है और एक आपका कलेक्शन कॉस्ट है, तो नेट हाथ में कितना आया? 14. तो आपको नेट 14 दिखाना है, ये याद रखना है. वही चीज इनकम में उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस दिखाएंगे, ये काम नहीं चलने वाला. वही चीज इनकम में उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस अलग से पीएल में दिखाएंगे, एक्सपेंसेस में ये काम चलने वाला नहीं है. बात समझ में आई? हाँ या ना? पक्का बताओ कितना हो गया? कितना?
ये और ये, अच्छा पहला क्वेश्चन जरा निकालो, पहला पहला जो अभी इसके पहले करवाया था, पहला जो उसके पहले करवाया था उस क्वेश्चन को अगर निकालो तो देखो मैंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हेडिंग कितनी दी थी, अरे और उसमें देखो ना अदर इनकम कितनी दी थी, मतलब हम लोग तोड़ रहे हैं अब उस क्वेश्चन को, एक मोटा मोटी क्वेश्चन ले लिया, अब उसके पार्ट्स को क्या कर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उतनी ना दी रहती, इतनी चीजें दी रहती और बाकी क्वेश्चन दिया रहता तो भी हम ऐसे ही करते, पहले नोट्स बनाते फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते। अब समझ में आई बात, नोट करना है नहीं करना है, थोड़ी स्पीड ले आना बाबू, देर ना करना। क्वेश्चन नंबर थ्री, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल परचेजेस ऑफ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक WIP, क्लोजिंग स्टॉक WIP, फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग स्टॉक, फिनिश्ड गुड्स क्लोजिंग स्टॉक। अब तुम लोग नोट्स बनाओ रेलिवेंट, बना लोगे? देखो इधर नोट नंबर थ्री है ना शायद ये, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, और नोट नंबर फोर बन जाएगा चेंजेस इन इन्वेंट्री, ये WIP हो जाएगा, और ये इधर देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इधर लिखेंगे कितना है, और परचेजेस ऑफ मटेरियल इसी के साथ ऐड कर लेंगे क्योंकि हमको निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना आ गया एग्जैक्ट। अच्छा इसकी बात करते हैं, ओपनिंग स्टॉक
WIP का है 150, फिनिश्ड गुड्स का है 175, क्लोजिंग स्टॉक 200 एंड 400। बताओ क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया यानी 50 माइनस में हो गया और 225 माइनस में हो गया, दोनों को ऐड कर लो तो 275 माइनस में आ गया। बोलो ना, जरा देखो क्वेश्चन नंबर वन तो यही आया था, 1000 यहां से आया था और 275 यहां से आया था। बात समझ में आई? हमने वहां पर एक ग्रॉस अमाउंट दिखा दी है लेकिन कहां से आया होगा, अगर हम क्वेश्चन डिटेल में देते तो शायद इस तरह से ये चीजें निकलती। थोड़ा जल्दी करो, हटा देना। क्वेश्चन नंबर फोर, सैलरी एंड वेजेस कॉन्ट्रीब्यूशन टू एक्सपेंसेस ऑन ESOP, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, अदर बोरोइंग कॉस्ट, गेन ऑन फॉरेन एक्सचेंज transactions, that's it। solution देखो, कितने notes बन गए थे? चार। अब note number 5 prepare हम करते हैं। employees benefit expenses आया ना, और साथ साथ एक और note बनेगा, कौन सा नोट नंबर 6 क्या बनेगा? फाइनेंस कॉस्ट नहीं बनेगा, फाइनेंस का मतलब इंटरेस्ट ही तो होता है नॉर्मली। सुनो एक नई चीज सीखोगे इसमें, सबसे पहले सैलरी एंड वेजेस कितना है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड वो भी तो एम्प्लॉइज को दिया गया है। देखो ना कितने कम हेड्स हैं, हमें सारे अमाउंट्स को उन्हीं हेड्स में ट्रांसफर करना है, हाँ या ना? गिने चुने देखो ना एक्सपेंसेस में कौन कौन से हेड हैं। जरा देखो, पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, तो उसमें तो रॉ मटेरियल था। दूसरा था चेंजेस इन इन्वेंट्री, उसमें तो ओपनिंग और क्लोजिंग WIP और फिनिश गुड्स था। उसके बाद हमने बताया परचेज ऑफ इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स को खरीदना। उसके बाद मैंने बताया स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, वो मैंने बताया। उसमें सब एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने भी खर्चे सब उसमें ही ले जाओ, अलग अलग नाम मत दो।
अब जितने भी बिजनेस में मैंने डिफरेंट तरीके के खर्चे किए हैं एम्प्लॉयज से रिलेटेड, वो सारे के सारे एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस में जाएंगे। फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट से रिलेटेड, बोरोइंग से रिलेटेड, ब्रोकरेज से रिलेटेड, सारी चीजें एक ही जगह जाएंगी। फाइनेंस कॉस्ट यानी पैसा लेने पर जितना खर्चा होता है, और तो और इसके अलावा हमने और खर्चा बताया फाइनेंस कॉस्ट के अलावा, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, जितने भी एसेट से रिलेटेड डेप्रिसिएशन होते हैं या अमोर्टाइज एक्सपेंसेस होते हैं वो सब एक ही जगह ले जाओ। अदर एक्सपेंसेस में काम करना, बचे खोचे ले जाना, जिसमें रेंट आ जाएगा, रिपेयर आ जाएगा, इंश्योरेंस आ जाएगा, मेंटेनेंस आ जाएगा, ये सारी चीजें उसी में। ऑडिटर का एक्सपेंसेस आएगा जिसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हम लोग देखने जा रहे हैं अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। तो यानी खर्चों को कुछ हेड्स में ट्रांसफर कर देना है। पहले वो लंबा चौड़ा जो पीएल अकाउंट बनता था ना, अब उतना बनाने की जरूरत नहीं है। एक्सपेंसेस ऑन एम्प्लॉयज, अच्छा ये है कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, आखिर वो एम्प्लॉयज को ही तो दिया गया है, तो एम्प्लॉयज के लिए मैंने जो खर्च किया है 72 उनके में ट्रांसफर कर दो। एक्सपेंस ऑन ईएसओपी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये भी तो एम्प्लॉयज के लिए है 28, और 150 स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, ये भी इन्हीं के लिए है। टोटल देख लेना, और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हमारी फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगी, अदर बोरोइंग कॉस्ट 4 आ जाएगा, प्रोसेसिंग फीस वगैरह होती है ना वो सब आ जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फाइनेंस कॉस्ट में तुम लोग शामिल करोगे प्रॉफिट और लॉस ऑन फॉरेक्स ट्रांजेक्शंस और ट्रांसलेशंस। तो यहां पर है गेन, तो प्लस होगा गेन ऑन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन या कन्वर्जन या ट्रांजेक्शंस, कितना बताओ कितना आएगी, और ये कितना आया, मैच कर रहा है क्वेश्चन नंबर 1 से, मैच कर रहा होगा ये, कितना दिया है। अच्छा सॉरी, प्रॉफिट हो गया है, कितना आया ये, प्रॉफिट है, खर्चे में से प्रॉफिट माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा जल्दी नोट करें, तो इसको भी लिख दें इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रॉफिट हो या लॉस यहीं पर शो होगा। चले क्वेश्चन नंबर 5 देखें। लिखने में थोड़ा लंबा चौड़ा रहेगा। बिल्डिंग है हमारे पास 400 की, प्लांट एंड मशीनरी है 200 की, व्हीकल दिया हुआ है 50 का, फर्नीचर एंड फिक्सचर दिया है 60 का, ब्रांड्स 200 के, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 90, इंश्योरेंस 4, सन्ड्री डेटर्स 80, पेमेंट टू ऑडिटर 32,
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एक्सेट्रा, पावर एंड फ्यूल, रेंट, रिपेयर टू बिल्डिंग, रिपेयर टू मशीन, रेट्स एंड टैक्सेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है बिल्डिंग पर 5%, प्लांट एंड मशीनरी पर 20%, व्हीकल पर 20%, फर्नीचर एंड फिक्सचर पे 10%, ब्रांड्स पे 10%, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे 60%, और मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दैट्स इट, दिस इज योर क्वेश्चन। अभी तक कितने नोट्स हमने दिखा दिए थे बाबू? नोट नंबर 7 ना, ये आ जाएगा डेप्रिसिएशन एंड अदर अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट के बाद यही तो आता है, और लास्ट में आ जाएगा अदर नोट नंबर 8 में, और सबसे इंपॉर्टेंट अदर में हम एक दो चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे, लगभग खत्म होने वाला है ना, देखना ढंग से। बिल्डिंग पर 5% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो 400 का 5% 20, प्लांट एंड मशीनरी पर 200 का 20% और व्हीकल पर 20%, फर्नीचर एंड फिक्सचर पर 10%, ये तुम लोग वर्किंग में डाल देना। ब्रांड्स 200 है तो उसका कितना परसेंट है? 10%, ये तो तुम बता दे रहे हो, नहीं तो हम तो पता ही नहीं चल पाता कितना। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बताओ कितना? 90 का 60, यानी 54। क्लियर हुआ? अब आते हैं अदर एक्सपेंसेस में। सबसे पहले कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एक्सेट्रा 14, पावर एंड फ्यूल सबसे इंपॉर्टेंट आइटम होते हैं ना, ये किसी भी बिजनेस के लिए कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स और पावर एंड फ्यूल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ना, तो सबसे पहले उनको टॉप कैटेगरी में रख लो। अब आते हैं सबसे लास्ट में रखोगे तुम लोग इसको, सीए साहब को जो पेमेंट देते हो ना, सबसे लास्ट में रखना। नॉर्मली हम लोगों ने जो आज तक इतनी किताबें देखी, इतने क्वेश्चन पढ़े, एक चीज कॉमन दिखती है, जब बैलेंस शीट दिखती है तो उसमें लिखता है वेजेस टू वर्कर 5,000, और उसी के नीचे लिखा रहता है पेमेंट टू ऑडिटर 5 रुपया। पता नहीं क्या बात है, क्या बात है, डायरेक्टर को इतना, लाखों, इसको हजारों में, अरे इसकी वैल्यू बढ़ाओ। खुद वैल्यू बुक्स में कम कर रखी है। अकाउंटेंट पार्ट टाइम 2,000 लेता है, फुल टाइम 2 रुपया लेगा। इधर देखो, अजीब लगता है, सबकी बात बोल रहा हूं, नियर अबाउट सारी बुक्स में ऐसे हैं। इंश्योरेंस 4,
रेंट 8, रिपेयर टू बिल्डिंग, रिपेयर को छोड़िए क्या, ये पावर एंड फ्यूल कितना लिखा है मैंने, 16 लिखना था, उल्टा लिख दिया, कंजम्पशन 14 था, पावर एंड फ्यूल 16 है, रेंट है 10, इंश्योरेंस है 4, ठीक है ना, और रिपेयर टू बिल्डिंग है 8, रिपेयर टू मशीन है 6, 6, और रेट्स एंड टैक्सेस हैं 2, चलो जितनी चीजें मिली वो मैंने लिखकर खत्म कर दी। अब हमारे सामने दो हैं, एक तो ऑडिटर मैंने कहा सबसे लास्ट में लिखना, तो सबसे लास्ट में लिख देते हैं पेमेंट टू ऑडिटर, और इसके बारे में अभी हम बात भी करेंगे ऑडिटर के बारे में, कितना है ऑडिटर को पेमेंट, 32, बोलो, बहुत बढ़िया अमाउंट दिया है। आते हैं डाउटफुल डेट्स की बात करते हैं, ऑलरेडी वी हैव इन आर गुल्लक रुपीज 2, हमारे गुल्लक में ऑलरेडी कितने रुपए हैं, हमारे पिगी बैंक में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम पर है 2 रुपए, जबकि हमको मालूम है सन्ड्री डेटर्स पर कितना प्रोविजन मेंटेन करना है, यानी इसका 10% कितना होता है, गुल्लक में ऑलरेडी कितना है 2, तो पीएल से और कितना लाने की जरूरत है गुल्लक में, कैसे कैसे, ध्यान कहां था, चाय पर, हाँ बोला, हमें मालूम है 80 का 10% हमें मेंटेन करना है, यानी कि कुल कितना मेंटेन करना है 8, 8 में से ऑलरेडी हमारे गुल्लक में पैसा पड़ा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में 2, तो गुल्लक में और कितना ट्रांसफर करें, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पीएल से लाना पड़ेगा ना, और ये पीएल का ही पार्ट है, 6 और आ गया, 2 पहले से था, 6 और इंट्रोड्यूस कर दिया गया, कुछ बचा क्या जरा देखो, मेरे हिसाब से 0, टोटल कर सकते हो ऊपर वाले का 60, 70, 80, 90, 106, 150, और इधर देखो 30, 40, 52, 58, 60, 68, 70, 100, देखो आ रहा है क्या, अरे वो क्वेश्चन ही देख लो पिछला वाला, जो क्वेश्चन नंबर 1 उसमें मैच कर रहा है कि नहीं, कर रहा है दोनों, चलो बताइयो, नोट करो, उसी को ही तो टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ना, हाँ, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल, अब ये थोड़ा तुम लोग थोड़े एडवांस लेवल पर आ गए, जो मैंने अभी तुम लोग को नहीं बताया था, प्रॉफिट फॉर द ईयर, ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ये ट्रांसफर हुआ है, बताओ क्या करें। हमने तो आप लोगों को केवल इतना ही बताया था ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक,
जो शेड्यूल बनाया था और जो पहला क्वेश्चन करवाया था उसमें भी वहीं तक बताया था। लेकिन अगर हम बात करें कि कितना अमाउंट बैलेंस शीट में प्रॉफिट का जाएगा, अब जरा उसकी बात कर लेते हैं। नोट नंबर 9 है 10 है, सरप्लस टू बैलेंस शीट। देखो इधर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल दिया हुआ है पिछले साल का 452। इस बार उसमें और ऐड हो गया ना, और ऐड हो गया ना प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। लेकिन हमें मालूम है इनमें से हमने कुछ ट्रांसफर किए हुए हैं, तो दिस इज जस्ट लाइक योर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 5% किसका, 560 का 28 आ जाएगा, होप सो। अरे बोलो ना, करंट ईयर के प्रॉफिट से ट्रांसफर होता है ना रिजर्व। अच्छा, इंटरिम डिविडेंड कितना है, वो इसी प्रॉफिट में से गया होगा मान लेते। प्रपोज्ड प्रेफरेंस डिविडेंड 140, और प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड कितना है, और ट्रांसफर टू DRR बताओ कितना बचा, सरप्लस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट कितना, नोट कर लो, तुरंत नोट करो। ये वो पॉइंट था जो मैंने डिस्कस नहीं किया था आप लोगों के साथ, ठीक है ना। अब समझ में आया, ये हैं आपके सारे के सारे बेसिक्स किससे रिलेटेड, पीएल से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट सेशन में ये जो डिविडेंड है ना इसको उठा करके देखेंगे, किसको, और इसकी कंप्लीट थ्योरी खत्म करेंगे, ठीक।